Good morning, learners. I'm Dr. Kalpana Lakheda, Assistant Professor Education, Uttarakhand Open University, Haldwani. Today, we will discuss about mental health and hygiene, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य एवं आरोग्यता. स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है. मानसिक उलझनों से ग्रस्त व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के साथ उचित समायोजन नहीं कर सकता. बच्चों के सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है कि जब उनका शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्वास्थ्य स्वस्थ हो. मानसिक दृष्टि से स्वस्थ अध्यापक ही अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करता है तथा इस तरह की स्थितियां उपलब्ध करवाता है. मनुष्य एक मनो शारीरिक प्राणी है. उसका व्यवहार शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है. इन जनरल टर्म्स वी मे से दैट द मेंटल हेल्थ इज अ हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ होल पर्सन. मेंटल हेल्थ इज अ पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ वेयर एन एवरेज पर्सन मीट्स द डिमांड ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर ओन कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन. मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्य के नाम से भी जाना जाता है. मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रारंभ C.W. बियर्स ने किया था. C.W. बियर्स ने अपनी पुस्तक द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सूत्रपात किया. बियर्स की पुस्तक को मनोविज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है. मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क को स्वस्थ और निरोग रखने वाला विज्ञान. जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के उपाय बताता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और रोगों से मुक्त रहने के उपाय बताता है. मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन. अब हम मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ समझेंगे. मेंटल हाइजीन मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ द टेकिंग ऑफ मेजर्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन. साइंस टू कीप ह्यूमंस मेंटली हेल्दी इज अ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन. मनुष्य को किस प्रकार से मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है या मनुष्य किस प्रकार मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है, इन सारी बातों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वह विज्ञान मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन कहलाता है. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन. मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला उद्देश्य है इंप्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का सुधार करना. दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिजीजेस एंड इलनेस, मानसिक बीमारियों एवं रुग्णताओं को दूर करना. और तीसरा है डायग्नोसिस एंड रेमेडीज ऑफ मेंटल इलनेस. मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है, किस प्रकार उसका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है, के उपायों को सुझाना, तरीकों को बताना इसका मुख्य उद्देश्य है. वर्तमान समय में मनुष्य को शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. उसके दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कोरोना महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में जहां मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है, वहां पर उसे मानसिक रूप से भी सशक्त होना बहुत आवश्यक है. Aspects of mental health and hygiene. Mental health and hygiene के क्या क्या पक्ष हैं? पहला पक्ष है preservative, दूसरा है preventive, तीसरा है curative. पहला है कि हमें कुछ ऐसे तरीकों को देखना है कि जिस किस प्रकार हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाया जा सकता है, जैसे उनके आहार, व्यवहार, दिनचर्या में क्या क्या चीजें शामिल करी जा सकती हैं जिससे कि मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ हो.
और हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तरीके प्रिवेंटिव तरीके कहलाते हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य खराब होने, कमजोर होने या मानसिक विकारों की स्थिति में मनुष्य को किस प्रकार राहत दी जा सकती है, वो तरीके क्यूरेटिव कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में रेगुलरिटी होती है, अर्थात नियमितता। उनका दैनिक दिनचर्या बहुत नियमित होती है। नियमित दिनचर्या मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ होने में सकारात्मक भूमिका निभाती है। दूसरा है पावर ऑफ एडजस्टमेंट। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में सामंजस्य की क्षमता अच्छी होती है। वो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने में सक्षम होते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति भावनात्मक रूप से मैच्योर होते हैं। उनमें भावात्मक स्थिरता पाई जाती है, वो भावनाओं में नहीं बहते। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वह जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वह कुछ न कुछ सकारात्मक रास्ता निकाल लेते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में सहनशीलता पाई जाती है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को बनाए रखते हैं और वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। वह देखते हैं कि किस प्रकार किन स्थितियों में क्या निर्णय लेके सुरक्षित रहा जा सकता है, वो उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं विश्व महामारी के दौर में, महामारी एक वास्तविकता है, लेकिन महामारी से कैसे बचा जा सकता है, महामारी को कैसे फैलने से रोका जा सकता है, इन चीजों को समझने में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम होते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्म मूल्यांकन करते हैं। वो अपनी क्षमताओं को और अपनी कमियों से पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। इसके साथ ही वो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट एफर्ट करते हैं, बेस्ट आउटपुट देने का कोशिश करते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य या जॉब में एक संतुष्टि की भावना रखते हैं। वो जहां भी जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां पर वो संतुष्टि का भाव रखते हैं और साथ ही वो निरंतर विकास पथ पर बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य को क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला पहला कारक है हेरिडिटी, अर्थात अनुवंशिकता। मनुष्य में कुछ गुण ऐसे होते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। मानसिक अस्वस्थता भी कई बार अपने पूर्वजों से बच्चों को हेरिडिटी के तौर पर मिल जाती है, जो उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाती है। दूसरा है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, यह उम्मीद होती है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। किसी वजह से शारीरिक कमियां, बीमारी, दुर्घटना व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फैमिली एनवायरनमेंट, परिवार का वातावरण। परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है जहां बालक का पालन पोषण होता है और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मूल्य संस्कार दिए जाते हैं। घर का अच्छा सकारात्मक माहौल बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, शारीरिक रूप से सबल बनाता है। जब बच्चे की आवश्यकता है, उसकी भोजन संबंधी आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, अपनत्व संबंधी आवश्यकता पूरी होती है, तो बच्चा शारीरिक
के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। यदि बच्चे पर बहुत ज्यादा अनुशासन या अनुशासनहीनता या घरों का कलहपूर्ण माहौल, बच्चे को अवसरों की उपलब्धता न होना या अत्यधिक अवसर देना, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है। साथ ही हम देखते हैं कि समाज का बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका निरंतर समाज से संपर्क होता रहता है। समाज में सुरक्षा एवं अपनत्व का माहौल बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मानसिक रूप से सबल बनाता है, जबकि असुरक्षा की भावना बच्चों को मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षिक संस्थाएं व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। शारीरिक शैक्षिक संस्थाओं का सकारात्मक माहौल बच्चों को मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में सहायक होता है। विद्यालयों में होने वाली या शैक्षिक संस्थाओं में होने वाली विभिन्न शैक्षिक एवं शिक्षण सहगामी क्रियाएं बच्चों को शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाती हैं। विभिन्न प्रकार के अवसर, क्रीड़ा, गेम्स बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ और हाइजीन को कैसे सुधारा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में परिवार, विद्यालय एवं समाज तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्वप्रथम हम देखेंगे रोल ऑफ फैमिली। बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में घर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा घर से ही अपनी फाउंडेशन लेके समाज तक जाता है। घरों का अच्छा माहौल, माता पिता के मध्य अच्छे संबंध, घरों में अपनत्वपूर्ण माहौल, सुरक्षा की भावना बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है। साथ ही कलहपूर्ण माहौल, टूटते परिवार बच्चों को मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्कूल का अगर माहौल देखा जाए, स्कूल का की भूमिका बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। स्कूल का सकारात्मक माहौल, सहयोगात्मक माहौल, अध्यापकों का मोटिवेशनल सपोर्ट बच्चों को मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मध्य में एक बहुत कोरिलेशन पाया जाता है। जो बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं शिक्षण सहगामी क्रियाएं आयोजित होनी चाहिए जो बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाए। रोल ऑफ सोसाइटी, समाज का व्यक्तियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज में सुरक्षा की भावना, अपराध मुक्त समाज, अपनत्व की भावना व्यक्तियों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है। और समाज में निरंतर झगड़े, विद्वेष, धार्मिक उन्माद आदि घटनाएं बच्चों को मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाती है। आज के समय में हम देखते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। वो जानते हैं कि भाई विपरीत परिस्थितियों में कैसे संतुलन बनाया जा सके, विपरीत परिस्थितियों में कैसे पेशेंस बनाया जाए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे सकारात्मकता को ढूंढा जाए और विपरीत परिस्थितियों में कैसे आपस में सौहार्द बनाया जाए और खुद को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किस तरह से स्वस्थ रखा जाए। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन बहुत ही प्रासंगिक प्रकरण है जिस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है।
Thank you. Stay at home. Stay safe.